ENP वर्ल्ड में हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर के संबंध में पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिकल्पना और सिद्धांत दो शब्द हैं जो अक्सर विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सिद्धांत और परिकल्पना के बीच एक बुनियादी अंतर है। परिकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस तथा सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी कहा जाता है। परिकल्पना की बात करते हैं। परिकल्पना कुछ सबूतों के आधार पर एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिकल्पना एक अनुमान या प्रस्तावित स्पष्टीकरण है जो सीमित साक्ष्य के आधार पर आगे की जांच के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में बनाया गया है। सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत एक विचार या विचारों का समूह है जिसका उद्देश्य तथ्यों या घटनाओं की व्याख्या करना है। गहन शोध विश्लेषण के बाद एक सिद्धांत तैयार किया जाता है। यह हमेशा वैज्ञानिक रूप से सबूतों के साथ सिद्ध होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत को अनुमान या विचारों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य किसी वस्तु की व्याख्या करना है। डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, परिकल्पना और सिद्धांत के बीच अंतर। एक परिकल्पना आमतौर पर एक प्रयोग से पहले बनाई जाती है, जबकि एक सिद्धांत आमतौर पर कई प्रयोगों या अध्ययनों के बाद बनता है। परिकल्पना की तुलना में सिद्धांत के सच होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि सिद्धांत को कई बार प्रयोग द्वारा सिद्ध कर बनाया जाता है। परिकल्पना एक कथन है, लेकिन सिद्धांत वस्तुओं पर कई बार प्रयोग कर सिद्ध किए गए जानकारी का एक संग्रह होता है। परिकल्पना आमतौर पर अस्थायी होती है, जबकि सिद्धांत आमतौर पर अधिक स्थायी होता है। सिद्धांत हमेशा साक्ष्य द्वारा समर्थित होता है, परंतु परिकल्पना के लिए साक्ष्य का होना आवश्यक नहीं है। परिकल्पना एक परीक्षण या अवलोकन के लिए विशिष्ट है, जबकि सिद्धांत एक सामान्य नियम है जो कई उदाहरणों में काम कर सकता है। सिद्धांत के उदाहरण की बात करते हैं। कॉपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, विशेष सापेक्षता सिद्धांत इत्यादि सिद्धांत के उदाहरण हैं। परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस के उदाहरण की बात करते हैं। यदि मैं अध्ययन नहीं करता तो मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। दूसरा है, यदि आप एक गेंद को गिराते हैं तो वह जमीन की ओर गिरेगी। ये दोनों हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना के उदाहरण हैं। आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो लिख भेजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।